जिला चंबा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कीड़ी की 10वीं कक्षा की छात्रा अर्चना ठाकुर ने जिला स्तरीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त कर अपने अभिभावकों तथा स्कूल का नाम रोशन किया है। बता दें कि इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में कीड़ी स्कूल की अर्चना ठाकुर ने 500 में से 497 अंक लेकर पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि गर्ल स्कूल चंबा की छात्रा कन्या शर्मा ने 500 में से 450 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में खरगट स्कूल की पंकना देवी ने 500 में से 432 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान काबिज किया है। चंबा की ये तीनों होनहार लड़कियां अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेकर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। नमस्कार सर, मेरा नाम अर्चना ठाकुर है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कीड़ी की छात्रा हूँ। इस बार हमने सर्वे रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हमने अपने सब थीम का नाम दिया है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल लिविंग, जिसमें हमने अपने टॉपिक का नाम दिया है सैनिटेशन अवे टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। तो सबसे पहले हमारे ग्रुप लीडर और ग्रुप मेंबर का चयन किया गया, जिसमें मुझे ग्रुप लीडर के तौर पर चुना गया। इस बार हमने स्वच्छता का टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि स्वच्छता का न होना इधर की एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बार के हमारे मुख्य उद्देश्य ये थे कि हमने ये जानना चाहा हमारे आसपास के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं या नहीं, क्या वे शौचालय का उपयोग करते हैं या नहीं, क्या उन्हें घर के कचरे के सही निपटान के बारे में पता है या नहीं, क्या वे अपने नाखून प्रतिदिन काटते हैं या नहीं, क्या वे सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता शिविर या उनके कैंपों में भाग लेते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम पंचायत गए, हमने पंचायत स्तर पर एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें हमने शौचालय के प्रयोग की प्रतिशतता और घर के कचरे के निपटान की प्रतिशतता जानने की कोशिश की, जिसमें हमने शौचालय के प्रयोग की प्रतिशतता में पाया कि 3% लोग सामुदायिक शौचालय का प्रयोग करते हैं, 14.5% लोग शौचालय का प्रयोग नहीं करते और 82.5% लोग शौचालय का प्रयोग करते हैं। हमने अपने सर्वे में पाया कि 63% लोग घर के कचरे के निपटान का सही तरीका नहीं जानते हैं। हम गांव-गांव गए और लोगों का सर्वे किया। हम अपनी स्थानीय PHC और डिस्पेंसरी गए, जहां हमने पिछले 3 महीनों में बीमार हुए व्यक्तियों के बारे में पता लगाया कि वे किस बीमारी को लेकर सबसे ज्यादा वहां आते हैं। सर्वे से निकली समस्याओं से हमने कई हल निकाले, जैसे लोगों को स्वच्छता के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जाए, हर घर शौचालय और उसके कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए, लोगों को गंदे पानी के निपटान की सही विधियों के बारे में बताया जाना चाहिए, उन्हें घर के कचरे के निपटान के बारे में बताया जाना चाहिए, हर गांव में कैंप लगवाए जाने चाहिए ताकि लोग स्वच्छता के प्रति अधिक से अधिक जागरूक हो सके। तो इस बार की हमारी सर्वे रिपोर्ट के यही उद्देश्य थे। धन्यवाद।